पा लिया जे कबर का मंजिल आ जाएगी, ये कबर का मकाम आ जाएगा। हाफिज़े कुरान कबर में दाखिल होवेगा, ये कुरान सीने तो जुदा हो जाएगा, जुदा होके कहेगा हाफिज़े कुरान दे सिरां दे खड़ा हो जाएगा। हत्ता के मुनकर नकीर दाखिल हो जाएंगे, आप सवाल करेंगे, कुरान फरमाएगा खबरदार इन्हें सारी जिंदगी कुरान पढ़िया वे, रात को टुट के कुरान पढ़ता रहा वे, माँ बाप तो जुदा होके कुरान करता रहा वे, रिश्तेदार छोड़ के कुरान पढ़ता रहा वे, दिन ते रात में कुरान पढ़ता रहा वे। आओ मेरे करीमा काली सलातो सलाम दे प्यारे गुलामो, रब्बे जुल जलाल दी कसमे, मेरे ते तेरे करीमा का ने फरमाया ये कुरान कबर में खड़ा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते ने क्यामत दा दिन होवेगा, ये कुरान भी शफात करेगा, साहिबे कुरान आउना दलाल भी शफात, कुरान भी शफात करेगा। मेरे ते तेरे करीमा का मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी शफात फरमाएंगे, हत्ता के कुरान खड़ा होके अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार आलम एदी शफात मैं करन वाला वा, मेरे करीमा काली सलातो सलाम दे प्यारे गुलामो, आओ दुनिया तेरा के कुरान नल प्यार फरमा लो, आ तवज्जो करे आज कुरान के सिद्दत का मालिक आया वे, कुरान कितनिया शाना लैके आया वे, मैं कुर्बान जावा है कौले मोहम्मद कौले खुदा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा है, कौले मोहम्मद मदे कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना ए लाख मगर, बदले का जमाना ए लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा, ए बदले का जमाना ए लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। अजदी अजीम महफिल पाक बसिलसिला तकमील कुरानी मजीद फुरकान हमीद बुरहानी रशीद है, हाफिज मोहम्मद चांद तनवीर साहब जिन्होंने अपने सीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकद्दस तैयब ताहिर कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने सीने में बसाया है, अल्लाह ताला इस होनहार तालिब इल्म को हाफिज को मजीद अमल करने की तौफीक और मोहब्बत अता फरमाए। और मैं बड़ी खुशी दे नाल मोहब्बत दे नाल आप दे वालदे मोहतरम मोहम्मद तनवीर साहब नूं मुबारकबाद पेश करना। अल्लाह ताला वालिदैन दा साया इन्हां बच्चियां ते हमेशा कायम दैम फरमाए। बिला तखीर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक दे इज्जत और अजमत दे हवाले दे नाल तालिब इलम दी हसीयत दे नाल चंद मारूजात पेश करना चाहना। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हक बयान करके तुहानू मैनू सब नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। जेडे हाजिर बैठे हो कहो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुहाडियां जबानां नू सलामती अता फरमाए। कुरान ऐसा कलाम है जिसको पढ़ने और सुनने से इंसान का ईमान भी रोशन होता है और दिल भी जगमगा उठता है। जिन्हों समझ आए कभी सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कुरान इतना आला कलाम है, कुरान इतना बाला कलाम है, कुरान इतना निराला कलाम है जिसको पढ़कर अपने सीने में बसा लेता है उस रब्बे जुल जलाल की इज्जत व अजमत की कसम, मदीने वाले उस सीने को भी पसंद फरमा लेते हैं। ताजदारी कायनात
मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारका है। तवज्जो उलमाए कराम, माशाल्लाह स्टेज की जीनत बने ने, तमाम अबा मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। हाफिज़े कुरान की शान की है, तेरे और मेरे आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज़े कुरान क्यामत वाले दिन जन्नत में लाया जाएगा। कहो सुभान अल्लाह। वो हाफिज़े कुरान जिसके सीने के अंदर कुरान का भी नूर होगा, सहबे कुरान की अज्जत अजमत का भी नूर चमकता हुआ होगा, तो जन्नत के बलाखानों में मेरे करीम आका अली सलातो वसलम फरमाते हैं, ऐ रसूलुल्लाह सल्लम के प्यारे उम्मतियों, हाफ़िज़े कुरान को बुलाकर अल्लाह इज्जत का ताज अता फरमाएगा। शान सुने, जिसने कुरान को अपने सीने में बसाया है उसका मकाम और मर्तबा क्या है। तो मेरे करीम आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, फिर कुरान आएगा, हाफ़िज़े कुरान को बुलाएगा, बुलाकर उसे वो शान अता फरमाएगा, अर्ज करेगा, या बारी ताला, इसने रातें जाग जाग कर नींदरे उड़ाकर मेरे कुरान से प्यार किया है, तेरे कलाम से प्यार रखा है, तेरे कुरान को पढ़ता रहा, तेरे कुरान से मोहब्बत करता रहा, मैं कुरान होकर अर्ज करता हूं, आज जमीन व आसमान के बादशाह, ऐ परवरदिगार आलम, इसको इज्जत का भी ताज बना, इसको नूर का भी ताज बना। इज्जत का भी ताज बनाया जाएगा, रहमत का भी ताज बनाया जाएगा। ताजदारे मदीना अली सलातो सलाम फरमाते हैं, फिर वो भी मकाम आएगा कि इसके वालदैन को वो नूर का ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी इस आसमां पे चमकते हुए सूरज से कहीं ज्यादा होगी। तो जन्नत में उस जात की कसम, उसके माँ बाप को वो इज्जत अल्लाह ता फरमाएगा, हाफ़िज़े कुरान को कहेगा अलहम से लेकर वन्नास तक कुरान पढ़ता जा और जन्नत की पौड़ियां चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के बला खालों में चढ़ता जा, जहां कुरान की आखिरी सीन होगी वहां हाफ़िज़े कुरान का आखिरी मकाम होगा। ये शान है मेरे दोस्ता उन शहजादों की, जिन नौजवानों ने, बच्चों ने अपने सीने में कुरान को महफूज फरमा लिया है। दुआ है अल्लाह ताला उन सीनों को आबाद रखे और क्यामत तक करीम आका मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दीवा जो है वो रोशन फरमाए। आओ, कुरान और सहबे कुरान की अजमत क्या है, जरा प्यार ना बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान और सहबे कुरान की इज्जत और अजमत क्या है, तो कुर्बान जाऊं, वो भेजने वाला भी नूर है, जिसने ले आया है वो भी नूर है, जिस पर उतारा गया है वो कमली वाला भी, प्यार से बोली, कमली वाला भी नूर है। आओ ताजदारे मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस पाक समात फरमाएं कि कुरान जिस सीने में आता है वो सीना आम नहीं है, कुरान जिस दिल में आता है वो दिल आम नहीं है, कुरान जिस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और अजमत की खातिर आया है, कुरान अपनी जगह है, सहबे कुरान का मकाम और मर्तबा अपनी जगह है। मेरे और तेरे आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस फ़ज़ाइल कुरान में मेरे करीम आका मुहम्मद अरबी अली सलातो वसलाम ने अपने प्यारे यारानू, अपने प्यारे गुलामानू, सहाबाए करामनू इस हदीस पाक तो वाज़े फरमाया कि ऐ मेरे गुलामो, जिसके सीने में कुरान आ जाता है वो सीना बर्बाद नहीं होता, वो क़यामत तक आबाद हो जाता है। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे गुलामों,
हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला नो कौन मेरे करीमा काली सलातो सलाम दी सोबत इख्तियार करन वाले मेरे ते तेरे करीमा का मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी गुलामी दा बड़ा पाण वाले आमिना ते दुर्रे यतीम ने ऐलान फरमाया सहाबा मेरे करीमा का ने जिस्मा ते कुरान बयान फरमांदे होया हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला नो आप बयान करते ने ऐ मेरे गुलामो मदीने दे ताजेदार ने फरमाया ऐ मेरे सियाबा याद रखिया जे दुनिया दुते बंदे दा तल्लक कुरान दे नाल हो जावे कुरान ते साहिबे कुरान दी इज्जत और दा चराग इंसान दे सीने विच आ जावे ओ नबी पाक दे प्यारे गुलामो जरा तवज्जो फरमाया जे आमना दे लाल इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सियाबा जदो हफ्ते कुरान दुनिया तो जाएगा उदे सीने विच कुरान होएगा लगता के जदो नु कफन पहनाया जाएगा कुरान सीने विच महफूज होएगा कब्र विच दाखिल किया जाएगा उदे सीने विच कुरान होएगा कब्र दे विच जिस वेले दाखिल होएगा ए हदीस हजरत उबादा बिन साबिल रजी अल्लाह तआला नो मेरे करीमा काली सलातो सलाम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामो याद फरमा लिया जे कब्र दा मंजिल आ जाएगी ए कब्र दा मकाम आ जाएगा हाफ़िज़े कुरान कब्र दे दाखिल होवेगा ए कुरान सीने तो जुदा हो जाएगा जुदा होके कहेगा हाफ़िज़े कुरान दे सिरां दे खड़ा हो जाएगा हत्ता के मुनकर नकीर दाखिल हो जाएंगे आप सवाल करेंगे कुरान फरमाएगा खबरदार इन्हें सारी जिंदगी कुरान पढ़िया वे रातां नूं टुट के कुरान पढ़ता रहा वे माँ बाप तो जुदा होके कुरान करता रहा वे रिश्तेदारां नूं छोड़ के कुरान पढ़ता रहा वे दिन ते रात विच कुरान पढ़ता रहा वे आओ मेरे करीमा काली सलातो सलाम दे प्यारे गुलामो रब्बे दुल जलाल दी कसमे मेरे ते तेरे करीमा का ने फरमाया ए कुरान कब्र विच खड़ा हो जाएगा मेरे आका फरमांदे ने क़यामत दा दिन होवेगा ए कुरान भी शफात करेगा साहिबे कुरान आमना दलाल भी शफात कुरान भी शफात करेगा मेरे ते तेरे करीमा का मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी शफात फरमाएंगे हत्ता के कुरान खड़ा होके अर्ज करेगा ऐ परवरदिगार आलम एदी शफात मैं करन वाला वा मेरे करीमा काली सलातो सलाम दे प्यारे गुलामो आओ दुनिया ते रह के कुरान नाल प्यार फरमा लो आ तवज्जो करया जे कुरान के सिद्दत दा मालिक आया वे कुरान कितनियां शाना लैके आया वे मैं कुर्बान जावा है कौले मोहम्मद कौले खुदा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा है कौले मोहम्मद कौले खुदा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा बदले का जमाना ए लाख मगर बदले का जमाना ए लाख मगर कुरान न बदला जाएगा ए बदले का जमाना ए लाख मगर कुरान न बदला जाएगा मेरे करीमा काली सलातो सलाम दे गुलामो क़यामत दा दिन होएगा तवज्जो फरमाया जी हजरत उबादा बिन सामित हदीस बयान फरमा रहे ने मेरे आका दी आप फरमाते ने अल्लाह क़यामत वाले दिन फरमाएगा फरिश्तियां नु जिनके सीने में कुरान है उनको बुला लाओ बुलाओ उनको जिनके सीने में कुरान है परवरदिगार आलम इतनी मखलूक खड़ी है हमें कैसे मालूम हो कि किनके सीने में कुरान होगा उबादा बिन सामित फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को इन तमाम मखलूक को सूंघते जाओ जिनके मुंह से कस्तूरी और अंबर की खुशबू आएगी उनके सीने में कुरान होगा क़यामत वाले दिन जिनके मुंह से कस्तूरी और अंबर की खुशबू निकलती होगी
अल्लाह फरमाएगा इन्हीं के सीने में कुरान होगा। तो दोस्ता आज उस कुरान दे नाल वफा कायम कर, आज कुरान दे नाल मोहब्बत पैदा कर, आज कुरान दे नाल साथ दे ताकि कबर भी पाक हो जाएगी, हशर विच भी इज्जत मिल जाएगी। मेरे ते तेरे करीम आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप फरमाते ने कि मकाम कबर दे विच जदों कुरान हाफ़िज़े कुरान दे सीने तो जुदा होकर कहेगा तूने दुनिया में मेरे साथ मोहब्बत की है, आज तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो हाफ़िज़े कुरान की कबर जो है वो जन्नत का बाग बन जाएगी। कुरान भी शफात करेगा, आमिना का लाल भी शफात फरमाएगा। तो शफात का जिक्र करते हुए मेरे पीर कामिल हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कलम नु वजह च लिया, आप फरमाते ने बे बिस्मिल्लाह ईसा सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो अदो पसारा हो मैं कुर्बान तिना तिदरत बाहो जिनू मिलया नबी सुहारा शान दा मालिक कुरान आया वे क़यामत वाले दिन अल्लाह दर्श दा साया होवेगा हाफ़िज़े कुरान खड़े होणगे ओ जो ते अल्लाह दे अर्श दा साया हो जावेगा। आओ मेरे करीमा अकाली सलातो सलाम दे प्यारे गुलामो ए जबरील कुरान किस शान दे विच लैके आया ओ फन कहदा उस्ताद जबरील मलाका दा इमाम जिस मुहम्मद दे दिल ते नाज़िल होया ओ नबियां दा इमाम भी है नबियां दा सुल्तान भी है। मेरे करीमा अकाली सलातो सलाम ने फरमाया कि कुरान कदो लिखा गया है, आदम का सहीफा बाद में है, अल्लाह ने कुरान को पहले लिखा है, अल्लाह ने कुरान को पहले लिखा है। मेरे करीमा अकाली सलातो सलाम दे प्यारे गुलामो मूसा का जलाल बाद में है, अल्लाह ने कुरान पहले लो मापू ते जमा फरमा लिया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को उसनो जमाल बाद में है, अल्लाह करीम ने कुरान को पहले लो मापू पे जमा फरमा लिया। ए कुरान भी शान वाला, ओ कुरान भी शान वाला, ए कुरान भी बाला वो कुरान भी आला, ये कुरान भी निराला वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी हसीन है वो कुरान भी हसीन है। ओ शत्ता मदा जेरा दबेरा इते शाल तेरी वेचे आया आमा लोका ओ खबर न कोई खासा
पाया। इंशाल्लाह जितना टाइम मिले है उसके मुताबिक फादरी तकमील पूरी फरमागा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ाहिर नदीम सुल्तानी साहब आप सलकोर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला उलमा का साया सदे सिरों ते हमेशा कायम दायम फरमाए, तवज्जो फरमाए। इंशाल्लाह 5 से 60 मिनट की हाजिरी है, तमाम अबाब तवज्जो फरमाए। कुरान वो किताब है जिस तरह पानी से लोहे को जंग लग जाता है, कुछ दिल ऐसे हैं जिनको जंग लग जाता है, तो करीम आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कुछ दिल ऐसे होंगे जिनको जंग लग जाएगा जिस तरह पानी से लोहे को जंग लगता है। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका अगर लोहे को जंग लग जाए तो हम हाथ से मांज लेते हैं रेगमार से या किसी आले से जंग को दूर कर देते हैं। या रसूल अल्लाह अगर दिल को जंग लग जाए तो दिल के जंग को कैसे दूर किया जाएगा? तो लिहाजा दिल जो है वो जिस्म के अंदर है। तो मेरे करीमा का मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा अगर दिल जिस्म के अंदर है और दिल पर हाथ ना पहुंचे, जिस जगह पर हाथ नहीं पहुंचता उस जगह पर अल्लाह का कुरान पहुंच जाता है। तो कुरान की तिलावत से इंसान के दिल का जंगार जो है वो उतर जाता है। हाफ़िज़े कुरान की शान ये है, हर कोई मरता है, बड़े बड़े मरते हैं, चौधरी मरते हैं, जागीरदार मरते हैं, वजीर मरते हैं, कब्र की मट्टी एहतराम नहीं करती, कब्र की मट्टी उसका एहतराम करती है जो सीने में कुरान लेके जाता है, जो सीने में सहबे कुरान की मोहब्बत का चिराग लेकर जाता है। तो रब्बे जुल जलाल की कसम, वो कुरान हमें अता फरमाया गया जिस कुरान की शान ये है जो पढ़ता जाएगा क़यामत वाले दिन वो जन्नत के महल्लात में चढ़ता जाएगा। आखिरी हदीस पाक है, तवज्जो से समात फरमा लें। इजाजत चाहूंगा हजरत फारूक आजम उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप दे दौर दे विच मिस्र दे गवर्नर ने खत लिखा, या अमीरुल मोमिनीन, इलाके दे अंदर कुछ ईसाई लोग ने जिन्होंने बड़िया बड़िया नौजवान लड़कियां बुला के और उस रस्ते बुला करने की कोशिश कर रहे हैं जिथों मुसलमान की फौज का गुजर होने वाला है। तवज्जो फरमाया जे जुमले दुते, बस आखिरी जुमले ने मेरे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामा ने जिन्होंने कुरान मुस्तफा को पढ़िया होगा, जरा प्यार ना कहो सुभान अल्लाह, उनकी शान कैसी है, उनका मकाम और मर्तबा क्या है। मेरे आका दे प्यारे गुलामो, मिस्र दे गवर्नर ने खत लिखा फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने खत का जवाब दिता कि घबरा ना, आप कुरान की सूरत नूर की चंद आयतें अपनी फौज को बुलाकर उनके सामने कुरान की तिलावत कर देना, उनके गाने असर नहीं करेंगे, मोहम्मद पे उतरो वहां कुरान असर कर जाएगा। तवज्जो फरमाया जे, तो मिस्र दे गवर्नर ने खत लिखा कि बढ़िया बढ़िया नौजवान हसीन लड़कियां बुला के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, कोई ऐसा हथियार दियो, कोई ऐसा आला दियो जिस दिनाल मुसलमान दे दिल और ईमान महफूज रह जान। तो वो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुरादे मुस्तफा बनकर आए हैं, रब्बे जुल जलाल की कसम, आपने फरमाया तुम कुरान सुना देना उनको। जब सारी फौज को इकट्ठा किया,
उनके सामने सूरत नूर की तिलावत फरमाई गई तो सबके कानों में कुरान की तालीमात का सर हुआ। जब फौज चली तो हजारों की तादाद में नौजवान लड़कियां गाने बजाने वाली डांसर खड़ी हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम गुजर रहे थे, हैरान होकर कहती हैं किसी एक फौजी ने भी आंख उठाकर नहीं देखा, इनको कौन सा नशा दिया गया है। तो हजूर का एक ही गुलाम बोलकर फरमाता है, खबरदार ये वो कुरान सुनकर आ रहे हैं जो कुरान आमना के लाल के दिल पर नाजिल हुआ था। इस कुरान का नशा आज भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फरमाते हैं जब हम निकले थे तो वो असीन लड़कियां तिकती रह गई, इनको कौन सा नशा मिला है। तो मैं कुर्बान जावा चिट्टा रंग लला दीवाला ते चढ़दा लहिंदा रा रंग मोहम्मद चढ़ जाए फिर निले कुरान सुनिया कन्ना बिच सर गया, जिन्ना कुरान सुन लिया उन्हां दी गाणियां वल तवज्जो नहीं आउंदी। हैरान हो के नौजवान लड़कियां अपने महल्ला छोड़ के आउंदियां ने, जरा कुरान सुनाओ ते सही ना, कुरान कियो जिहा कलाम है। मैं सदके जावा मिसर दियां गलियां ते बाजारां विच जदों मुस्तफा दे गुलामां ने कुरान पढ़िया, रब्बे जुल जलाल दी कसम है वो नौजवान लड़कियां हजूर दे गुलामां विच गिर गईयां ने, अर्ज कर ने सुनिया यो जिया कलाम सुनिया है ना, इो जिया पकी दा कलाम सुनिया वे। मेरे करीम आका अली सलात व सलाम दे प्यारे गुलामो जिन्ना दे सीने विच कुरान आया ओ कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमा न बदला जाएगा बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला चंद मारोजार पेश करनिया अर्शन दा मालिक कबूलो मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला मुहम्मद तनवीर साहब दी इस खूबसूरत प्रोग्राम नू अपनी बारगाह विच कबूल फरमा के इन्हां दी वालदा वास्ते जरिया बख्शिश फरमाए। वा मालीना इल्ला तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ बोलिए ज़रा सुभानअल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बयान क़िबला उस्ताज़ुल उलमा आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी सैफुल्लाह सुल्तानी साहिब, अल्लाह पाक आपको उम्र खिजरी अता फरमाए। हज़रत जी वक़ार आपकी खिताब के दौरान तशरीफ़ लेकर आए, इस महफिल की रौनक, इस महफिल की जान, और बहुत ही दूर से